हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर एन नर्सिंग क्लासेस। मैं रौनित राज, एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और साथ ही साथ आज की शानदार क्लास में। आज की क्लास के थंबनेल से ही आप सभी बच्चों का आइडिया लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है यूनिट नंबर 7th, मोटिवेशन एंड इमोशंस। और आज की क्लास में जो स्पेसिफिकली जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे बेटा, वो होगा मोटिवेशन। और मोटिवेशन के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मोटिवेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, ये हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाली है, तो आप सभी बच्चे इस क्लास को एंड तक जरूर देखें। और जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हो रहे हैं, वे बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा चैनल के लिंक और क्लास के लिंक को बेटा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने से कनेक्ट हो सके, इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है चैनल का लिंक और क्लास का लिंक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है मोटिवेशन, ये आखिरकार ये कहाँ से डिस्कवर हुआ, कहाँ से डिराइव हुआ। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मोटिवेशन जो ये टर्म है बेटा, बेसिकली एक लैटिन लैंग्वेज के शब्द मूवर से लिया गया। और ये जो मूवर जो वर्ड है, इसका मतलब होता है टू मूव, यानी कि एक तरीके से आगे बढ़ना, आगे चलना या जीवन में आगे की तरफ देखना। ठीक है, क्या कहा मैंने कि मोटिवेशन ये जो शब्द है एक लैटिन भाषा के शब्द मूवर शब्द से लिया गया है। ठीक है, और ये जो मूवर जो शब्द है उसका मतलब होता है टू मूव टू फॉरवर्ड, जीवन में आगे बढ़ना, आगे देखना, आगे की ओर चलना, ये इसका मतलब होता है। डेफिनेशन के अंदर हम इसको और बेहतर तरीके से और शानदार तरीके से समझ लेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। स्क्रीन पे आप सभी स्टूडेंट्स को दो डेफिनेशन दिख रहे होंगे। मैं अपनी हर क्लास के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझाता हूँ कि फाइनल एग्जाम के अंदर जब भी किसी टर्म्स की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो कम से कम आपको दो डेफिनेशन लिख के आनी है, और वो डेफिनेशन किस ऑथर ने दी या किस साइकोलॉजिस्ट ने दी या किस पर्सन ने दी, उसका नाम भी आपको जरूर लिख के आना है। अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मेक श्योर आप इसी तरीके से जो भी डेफिनेशन है उनको लिख के आए। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, यहाँ पे दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशनों का लगभग मतलब सिमिलर। फर्स्ट डेफिनेशन का मतलब है कि मोटिवेशन इज अ प्रोसेस विच स्टिमुलेट पर्संस टू एक्शन टू अचीव देयर डिजायर गोल्स। यानी कि मोटिवेशन क्या है, एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है, एक प्रकार की ऐसी प्रतिक्रिया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पर्सन के जो भी एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। और जब उसके एक्शंस अगर स्टिमुलेट होंगे तो कहीं ना कहीं जो भी उसका जो डिजायर गोल्स थे उन डिजायर गोल्स को वो फुलफिल कर पाएगा, उनको वो अचीव कर पाएगा। सेकंड डेफिनेशन अगर अपन देखें जो कि है, मोटिवेशन इज फोर्स दैट एनर्जाइज द पर्सन्स बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल्स। लगभग वही मतलब है, मोटिवेशन एक प्रकार का फोर्स है यानी कि बल है जो कि क्या करता है, आपके बिहेवियर को एनर्जाइज करता है, आपके बिहेवियर को एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऊपर वाली डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ था, स्टिमुलेट करता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एनर्जाइज करता है, विच एनर्जाइज द ह्यूमन बिहेवियर टूवर्ड द गोल, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे एक कॉमन बात है जो आप लोगों को समझनी चाहिए कि मोटिवेशन कैसे जनरेट होता है। जब भी किसी पर्सन का अपने लाइफ का कोई भी डिजायर, गोल, एम या टारगेट या नीड्स या मोटिव्स अगर जो होती हैं, उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं उसका जो है मोटिवेशन उसके अंदर जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सभी स्टूडेंट्स को पढ़ लिख के अच्छे नंबर लाने हैं, टॉप मारना है या एक अच्छी जॉब ज्वाइन करनी है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, आपकी नीड्स हो गए, आपके मोटिव्स हो गए, आपकी डिजायर हो गई, हिंदी में कहें तो आपकी इच्छाएं, आपके सपने, आपके लक्ष्य हो गए। और आपके लक्ष्य से ही, आपके डिजायर से ही, आपके गोल्स से ही कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है मोटिवेशन जनरेट होता है। जब आप अपना पहले लाइफ में कोई गोल सेट कर लेते हैं, कोई नीड सेट कर लेते हैं, उन गोल्स उन नीड्स की वजह से ही कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपके एक्शंस क्या हो रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं या स्टिमुलेट हो रहे हैं, जिसके वजह से आप अपने जो भी लक्ष्य हैं, जो भी डिजायर्स हैं उनको फुलफिल कर पाते हैं, उनको अचीव कर पाते हैं और अपने लाइफ में एक कामयाब, एक काबिल और एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाते हैं। तो ये मतलब होता है डेफिनेशन का। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। स्क्रीन पर आप सभी को कुछ कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, वन बाय वन कंसेप्ट को अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट है, मोटिवेशन इज ए डायरेक्टेड टूवर्ड द गोल एंड प्रेजेंटल अचीवमेंट ऑफ गोल। यानी कि मोटिवेशन क्या होता है,
कहीं ना कहीं क्या होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि जब भी आप अगर मोटिवेटेड होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप अपने गोल्स को क्या कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। और जब तक मोटिवेशन आपके अंदर प्रेजेंट रहता है जब तक कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते हैं, तो इसलिए कहा गया है इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड द गोल प्रेजेंट टिल अचीवमेंट ऑफ गोल। सेकेंड अगर अपन कंसेप्ट की अगर अपन बात करें जो कि है अचीवमेंट ऑफ गोल विल रिलीज ऑल टेंशन। जैसे कि अगर कोई भी पर्सन ने अपने लाइफ में कोई भी अगर टारगेट या कोई भी गोल सेट किया है, अब उस गोल्स की वजह से ही क्या हो गया उसके बॉडी के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर मोटिवेशन जनरेट होगा, है ना। अब उस मोटिवेशन के जनरेट होने से क्या होगा कि उसके एक्शंस और या फिर उसके जो भी बिहेवियर है वो क्या होगा स्टिमुलेट होगा, एनर्जाइज होगा, जैसे कि अंदर अपन ने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था। अब जब उसके एक्शंस और उसके बिहेवियर अगर एनर्जाइज होंगे स्टिमुलेट होंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा, और जब वो गोल्स को अचीव कर लेगा तो क्या होगा कि उसकी जो भी टेंशंस जो भी स्ट्रेस या जो भी एंजाइटी थी अपने गोल अपने टारगेट अपनी नीड्स को लेके वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी रिलीज आउट हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी या कहें तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कहा गया है कि अचीवमेंट ऑफ गोल विल रिलीज ऑल टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन कंसेप्ट देखें जो कि है मोटिवेशन इज ए इनर स्टेट और फीलिंग। अब देखिए मोटिवेशन ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में बिल्कुल मिल रहा है बिक रहा है कहीं पर नहीं ना, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कहीं पर रखा हुआ है और अपन ने ले लिया। अब मोटिवेशन क्या है कि एक इनर स्टेट और फीलिंग है, एक प्रकार का एक ऐसी फीलिंग्स है जो कि इंटरनली इंसान के अंदर मौजूद होती है। ऐसा नहीं कि कहीं पर रखा हुआ है कहीं पर पड़ा हुआ है अपन ने उठा लिया और मोटिवेट हो गए, नहीं। मोटिवेशन खुद के अंदर से ही जनरेट होता है, अपनी नीड्स अपने गोल से ही जनरेट होता है। नेक्स्ट अगर अपन कंसेप्ट की बात करें जो कि है चेंज इन गोल मे अल्टर द लेवल ऑफ मोटिवेशन। अगर कोई भी पर्सन अपने लाइफ के जो गोल्स उसने सेट किए थे जो नीड्स उसने सेट की थी वो अगर चेंज करता है तो कहीं ना कहीं उसके जो मोटिवेशन का जो लेवल है उसके अंदर भी आपको अल्टरनेस देखने को मिलेगी, यानी कि इम्बेलेंस आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी तक अगर किसी स्टूडेंट ने सोचा कि उसे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, क्या बनना है नर्सिंग ऑफिसर बनना है ना, अब क्या होगा कि ये उसका एक क्या होगा नीड कहें या मोटिव कहें, ठीक है। ये मैं कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ लाइक नीड्स मोटिव्स, ठीक है, और चाहे तो गोल्स कह लें एम कह लें या टारगेट कह लें। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो भी कोई स्टूडेंट्स है उसने अगर सोचा कि मैं नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता हूँ तो ये उसका क्या हो गया ये उसका एक मोटिव हो गया, है ना। अब अगर उस मोटिव की वजह से क्या होगा कि उसके बॉडी के अंदर या उसके अंदर जो क्या है कि एक मोटिवेशन जनरेट होगा, है ना। मोटिवेशन जनरेट होगा वो मेहनत करेगा अपने बिहेवियर्स को क्या करेगा बिहेवियर एक्टिविटीज़ को एनर्जाइज करेगा, उसके जो भी एक्शंस थे वो एनर्जाइज होंगे और अपने गोल्स को वो अचीव कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसने बीच में ही अपने उस गोल को चेंज कर दिया, अभी तक तो उसे नर्सिंग ऑफिसर बनना था लेकिन अब मान लीजिए उसे अगर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करना है या कोई बिजनेसमैन बनना है या खुद का कोई काम खोलना जो भी, तो अब उसने क्या किया अपना गोल चेंज कर लिया। अब अगर गोल चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो भी उसका नया गोल होगा उसके लिए उसको फिर से वो वापस मोटिवेशन रखना पड़ेगा, वापस वो जीरो से शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जब भी कोई पर्सन अपने लाइफ के जो भी बनाए हुए गोल्स या मोटिव्स होते हैं उनको अगर चेंज करता है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उनका जो मोटिवेशन का लेवल है वो भी कहीं ना कहीं इम्बेलेंस या डिस्टर्ब होएगा। फिफ्थ अगर अपन कंसेप्ट की बात करें इट इज जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि मोटिवेशन कहाँ से जनरेट होता है, आपकी नीड्स से। कोई पर्सन की कोई भी नीड आवश्यकता जरूरत कोई भी लाइफ के गोल या जो भी टारगेट है या जो भी कोई भी उसके लाइफ के लक्ष्य हैं उनसे ही क्या होता है कहीं ना कहीं मोटिवेशन जनरेट होता है। ये मैं अपने सभी पॉइंट्स के अंदर आपको कहता आ रहा हूँ। नेक्स्ट और लास्ट अगर अपन कंसेप्ट देखें जो कि है वी कैन नॉट सी मोटिवेशन डायरेक्टली बट वी कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। हम मोटिवेशन को डायरेक्टली देख नहीं सकते। मैंने तो अभी क्या कहा था कि ऐसा तो है नहीं कि मोटिवेशन कहीं रखा हुआ है कहीं पे मार्केट में बिक रहा है तो अपन ने लिया है खरीद लिया है अपन को वो दिख रहा है, नहीं ना। मोटिवेशन क्या है कि हाँ मोटिवेशन को अपन डायरेक्टली देख तो नहीं सकते लेकिन उसके किस प्रकार के एक्शंस है किस प्रकार की बिहेवियर एक्टिविटीज है उसको अगर अपन ऑब्जर्व करें तो उसके बिहाफ पे अपन ये बता सकते हैं कि कोई पर्सन कितना मोटिवेटेड है और कितना नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के, दोनों ही स्टूडेंट्स का एक गोल है, क्या गोल है कि उनको क्लास के अंदर जो है अच्छे नंबर लाने हैं या बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक अच्छी रैंक लानी है टॉप क्लास रैंक लानी है, ठीक है, ये दोनों का गोल या टारगेट हो गया। लेकिन अब कौन पर्सन अपने गोल के प्रति कितना मोटिवेटेड है वो उसके एक्शन से पता लग जाएगा, यानी कि एक स्टूडेंट से जो तो अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहा है बहुत अच्छे से एग्जाम दे रहा है क्लास और कॉलेज के अंदर बहुत ही फोकस और पूरे अटेंशन के साथ स्टडीज कर रहा है, और जबकि दूसरा स्टूडेंट क्या है अपनी पढ़ाई के अंदर स्टडीज के अंदर लापरवाही कर रहा है थोड़ा कम अटेंशन रख रहा है कम अपनी स्टडीज को टाइम दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि हम वैसे तो मोटिवेशन को देख नहीं सकते लेकिन हम अगर उन पर्सन के
उन दोनों स्टूडेंट्स के पूरे ओवरऑल बिहेवियर पैटर्न को अगर एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें, तो उसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन ज़्यादा है और किस स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन कम है। तो इस तरीके से ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं मोटिवेशन के जो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को अभी तक की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन। क्लास में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिवेशन, या कहें तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स भी अपन इसको कह सकते हैं। तो बेसिकली मोटिव्स को जो है बेसिकली फोर टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है, फिजियोलॉजिकल या प्राइमरी मोटिव्स, सेकेंडरी मोटिव्स, पर्सनल मोटिव्स और अनकॉन्शियस मोटिव्स। स्क्रीन पे आप सभी को एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा जिससे कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से इन सब चीजों को समझ पाएंगे, इन सभी टाइप्स को समझ पाएंगे। ये कुछ ऐसे क्या होते हैं क्लासिफिकेशन कहें या टाइप्स होते हैं मोटिवेशन के, ठीक है। अब अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल या प्राइमरी मोटिव्स के बारे में। अब कहीं कहीं पे देखिए कि इसको फिजियोलॉजिकल मोटिव्स भी कहा जाता है, प्राइमरी मोटिव्स भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल मोटिव्स भी कहा जाता है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मोटिव्स भी कहा जाता है। तो आप एग्जाम में कुछ भी लिख के आ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज के तीन या चार नाम है, ठीक है। तो अब चाहे तो इनको अपन प्राइमरी, फिजियोलॉजिकल, ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल मोटिव्स के नाम से जान सकते हैं। अच्छा, ये ऐसे कौन कौन से मोटिव्स हो रहे हैं, यहाँ पे अपन मोटिव्स की बात कर रहे हैं। मोटिव्स यानी क्या हो गया, एक तरीके से अपने डिजायर, अपने गोल, जिनसे कि क्या जनरेट हो रहा है, मोटिवेशन जनरेट हो रहा है। तो प्राइमरी मोटिव्स के अंदर जो मोटिव्स रखे गए हैं बेटा, जैसे कि हंगर मोटिव्स, थ्रस्ट मोटिव्स, रेस्पिरेशन मोटिव्स, एलिमिनेशन मोटिव्स, सेक्स मोटिव्स, ये कुछ ऐसे सब टाइप्स हैं प्राइमरी मोटिव्स के। अब इनको प्राइमरी मोटिव्स क्यों कहा गया है, इनको प्राइमरी मोटिव्स इसलिए कहा गया है, ये एक ऐसे मोटिव्स हैं जो कि इंसान के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही असेंशियल होते हैं, बहुत ही आवश्यक, ज़रूरी होते हैं। इनके बिना लाइफ को सर्वाइव कर पाना बहुत ही नामुमकिन और मुश्किल है। तो इसलिए इनको प्राइमरी मोटिव्स या बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल मोटिव्स की कैटेगरीज के अंदर रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि अपन बात करें थ्रस्ट मोटिव की, यानी कि अगर किसी भी पर्सन का अगर प्यास लगती है तो क्या उसको बोलना पड़ता है कि जाके पानी पी ले, नहीं ना, अपने आप उसके अंदर से क्या होता है, वो उसका एक नीड हो गई, वो उसका एक मोटिव हो गया, वो उसकी एक गोल हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उसकी जो थ्रस्ट है, उसकी जो प्यास है, उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, मोटिवेशन जनरेट होता है, और उसके जो एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, और वो जाके क्या करता है, जाके फ्रिज में से या जो भी है पानी निकाल के पी लेता है। कहीं ना कहीं क्या हुआ, जो उसका थ्रस्ट था वो क्या था, उसका मोटिव हो गया, और उसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर मोटिवेशन जनरेट हुआ और उसने अपना जो भी गोल था, लाइक जो भी मोटिव था पानी पीने का, उसको उसने फुलफिल किया। इसी तरीके से हंगर है, हंगर मींस कि अगर किसी व्यक्ति को अगर अपन एक दिन भूखा रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन भूखा रख लें और तीन दिन भूखा रख लें, आखिर में जाके क्या होगा कि उसके अंदर क्या होगा कि एक मोटिवेशन जनरेट होगा, या उसके अंदर एक अर्ज, एक नीड, एक डिज़ायर जनरेट होगा कि उसको भूख लग रही है, ठीक है। अब उसको भूख लग रही तो वो किसी की परमिशन का इंतजार नहीं करेगा कि कोई मुझे बोले कि जाके खाना खा ले, नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जाएगा और जाके खाना खा लेगा, क्योंकि उसकी जो भूख थी वो क्या हो गई, एक प्रकार की उसकी नीड हो गई। तो इस तरीके से जब वो नीड है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मोटिवेशन जनरेट होगा, वो जाके अपना खाना खाएगा। रेस्पिरेशन मोटिव्स, इसी तरीके से रेस्पिरेशन मोटिव्स है, सांस लेने के लिए आपको कोई बोल थोड़ी रहा है, आप अपने आप सांस ले रहे हैं। अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट सांस रोक के देख लीजिए, इससे ज़्यादा रोक भी नहीं पाएंगे अपन, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करेगी, अपनी बॉडी अपने को मोटिवेट करेगी कि अपन रेस्पिरेशन ले लें, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो रहा है, एलिमिनेशन मोटिव्स, यानी कि कोई भी पर्सन जो भी इनटेक करता है, जो भी फूड इनटेक करता है, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ टाइम फूड इनटेक ही करता जाना है, फूड वेस्ट एलिमिनेट नहीं करना, वेस्ट भी एलिमिनेट करना ज़रूरी है, बॉडी से फ्लश आउट करना वेस्ट को बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से क्या होता है कि बॉडी अपने आप ही एक मोटिवेशन जनरेट करती है, और फिर क्या होता है कि जो भी फूड इनटेक किया था पर्सन ने, आफ्टर फ्यू टाइम्स, आफ्टर फ्यू हार्स, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है। नेक्स्ट अपना सेक्स मोटिव्स। अब सेक्स मोटिव्स क्या होता है बेटा, कि आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज के बाद में क्या होता है कि जो भी गर्ल्स या बॉयज़ होते हैं उनकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे जो हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनके अंदर अल्ट्रेशन अपन को देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके अंदर चेंजेस होते हैं, और साथ ही साथ जो भी उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो है उनके एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस अपन को देखने को मिलते हैं। अब उन चेंजेस की वजह से क्या होता है कि उनको अंदर क्या होता है कि एक अर्ज, एक नीड, एक क्या होती है कि एक डिज़ायर जो होता है
है वो क्या होता है, जनरेट होता है, और उसी की वजह से क्या होता है, मोटिवेशन जनरेट होता है। अब डिजायर क्या कि मान लीजिए अगर कोई भी गर्ल है तो उसको जो भी उसका अपोजिट सेक्स है, यानी कि अगर कोई भी मेल पर्सन है उसके प्रति उसको अट्रैक्शन महसूस होगा, और इसी तरीके से अगर कोई मेल कोई बॉय है तो उसको अपोजिट सेक्स यानी किसी गर्ल्स के प्रति जो है अट्रैक्शन जो है महसूस होगा। अब ये एक प्रकार का उसका क्या हो गया, ये उसका हो गया एक तरीके की नीड हो गई, एक तरीके का उसका डिजायर हो गया। अब इसी से क्या हो रहा है कि उसके अंदर मोटिवेशन जनरेट हो रहा है और वो अपने इस डिजायर को, अपने इस गोल को जो है वो कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जो कि क्या करते हैं, पर्सन के अंदर मोटिवेशन जनरेट करने का काम करते हैं, और उस मोटिवेशन से उनके एक्शन और बिहेवियर क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं या एनर्जाइज होते हैं, और वो अपने सभी जो भी मोटिव्स होते हैं उनको वो फुलफिल कर पाते हैं। तो ये होते हैं आपके फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। नेक्स्ट मोटिव्स हैं अपने सेकेंडरी मोटिव्स, स्क्रीन पे आप सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा। अब सेकेंडरी मोटिव्स क्या होते हैं, देखिए सेकेंडरी मोटिव्स ऐसे मोटिव्स होते हैं जो कि अगर फुलफिल हो जाएं 100% तो भी ठीक है, अगर 50% भी हुएं तो भी ठीक है। यानी कि जो प्राइमरी मोटिव्स थे उनका फुलफिल होना बहुत ही आवश्यक, बहुत ही ज़रूरी, वो एक बेसिक मोटिव्स थे ह्यूमन बीइंग के लिए। जैसे कि नीड फॉर रिलेशनशिप, यानी कि कोई भी पर्सन जो कि इस संसार के अंदर है, आया तो अकेला है, जाएगा भी अकेला, ठीक है, लेकिन जब तक कि वो इस संसार के अंदर है, ऐसा तो है नहीं कि वो अकेला रहेगा, उसके कोई दोस्त नहीं होंगे या उसके पेरेंट्स नहीं होंगे या उसके हस्बैंड नहीं होगा या वाइफ नहीं होगा या बच्चे नहीं होंगे, होंगे है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि यही जो रिलेशनशिप मोटिव्स होते हैं वो उनके अंदर क्या करते हैं, मोटिवेशन जनरेट करते हैं, और लोगों के साथ उनके जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनको वो एक अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाते हैं। एज अ फादर जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे फुलफिल कर पाते हैं, एज अ मदर जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसे पूरा कर पाते हैं। यानी कि एक पर्सन का एक दूसरे व्यक्ति के साथ जो भी रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को के प्रति जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको पूरा कर पाना, और भी दूसरे लोगों के साथ अच्छी रिलेशनशिप क्रिएट करके रख पाना। नेक्स्ट है नीड फॉर स्टेटस। नीड फॉर स्टेटस का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पर्सन क्या चाहता है कि उसका समाज में एक अच्छा नाम हो, अच्छा उसका रुतबा हो, अच्छे उसके पास पोस्ट हो, अच्छा उसके पास घर हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि उसका को सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस चाहिए। अब ये उसका क्या हो गया, डिजायर हो गया। आप सभी स्टूडेंट्स भी इसलिए स्टडी कर रहे हैं जिससे कि आप सभी भी लाइफ में आगे जाके एक कामयाब, एक काबिल इंसान बन सकें, अपने एक स्टेटस बना सकें, अपनी फैमिली की और अपनी जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकें, ठीक है, समाज में अपना एक मुकाम हासिल कर सकें। तो ये आप लोगों के लिए क्या हो गया, एक प्रकार का आपका मोटिव हो गया या डिज़ायर हो गया या गोल हो गया, और इसी की वजह से क्या होगा कि आप लोग मोटिवेट होंगे और अपने जो भी डिज़ायर हैं उनको फुलफिल करेंगे, ठीक है। थर्ड मोटिव है अपना पावर मोटिव। पावर मोटिव का मतलब होता है कि यानी कि अब सभी इंडिविजुअल्स का या पर्सनस का कहीं ना कहीं ये सोचना होता है कि हम एक पावरफुल जॉब में रहें, हम एक अपना खुद का बिजनेस ओपन करें जिसके अंदर क्या होगा कि हमारे अंडर में काफ़ी सारे लेबर या काफ़ी सारे एम्प्लॉइज काम करें, ठीक है, कहीं ना कहीं जिससे कि वो क्या कर सके, एक रूल कर सके, लोगों को ऑर्डर दे सके, अपना जो भी काम है वो उनसे करवा सके, एक पावर होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या होगा कि ये पर्सन का क्या हो गया, एक डिज़ायर हो गया, एक मोटिव हो गया। अब कहीं ना कहीं उस मोटिव्स की वजह से उसके अंदर मोटिवेशन जनरेट होगा और उसके बिहेवियर और उसके जो भी एक्शंस होंगे वो एनर्जाइज होंगे और वो अपने जो भी मोटिव्स हैं उनको फुलफिल कर पाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर किसी भी पर्सन को पॉलिटिक्स के अंदर आना है या खुद का बिजनेस ओपन करना है या बहुत ही ऊँची और बहुत ही ए ग्रेड जॉब करनी है, अब कहीं ना कहीं वो जॉब ऐसे तो नहीं है कि हाँ से कहीं पर भी रखी हुई और अपन ने ले ली, नहीं ना, कहीं ना कहीं क्या होगा कि उसका उस टारगेट हो गया। अब उस टारगेट के लिए क्या होगा कि वो हार्डवर्क करेगा, मेहनत करेगा और अपना जो भी टारगेट है उसको अचीव करेगा, ठीक है। ये होता है अपना नीड फॉर पावर। यहाँ पे जाके अपने सेकेंडरी मोटिव्स भी कंप्लीट होते हैं। थर्ड जो मोटिव्स अपन डिस्कस करेंगे जो कि है पर्सनल मोटिव्स, स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा। देखिए पर्सनल मोटिव्स ऐसे मोटिव्स होते हैं जो सभी इंडिविजुअल्स के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, यानी कि सभी इंसानों का अपना अपना कुछ अलग अलग मोटिव, अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग हैबिट्स होती हैं। हाँ, ऐसा देखने को मिल सकता है कि काफ़ी लोगों के अंदर जो भी हैबिट्स हैं वो कॉमन हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकतर आपको ये देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे डिफ्रेंशिएशन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर क्लास के अंदर मान लीजिए 40 बच्चे हैं और 40 के 40 बच्चों को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, या 40 के 40 बच्चे को मान लीजिए किसी एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, यानी कि मान लीजिए सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, किसी को टीचिंग में भी आना हो सकता है, ठीक है, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि पर्सनल मोटिव्स ऐसे मोटिव्स होते हैं जो सभी इंडिविजुअल्स के लगभग डिफरेंट होते हैं और बहुत रेयरली चांसेस होते हैं कि ये कॉमन हो, ठीक है। अब पर्सनल मोटिव जैसे कि क्या, हैबिट, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, फियर, ठीक है, ये क्या हो गए, ये कुछ ऐसे पर्सनल मोटिव्स हो गए जो कि सभी इंडिविजुअल्स के, सभी पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि जस्ट अभी मैंने आप लोगों को कहा क्लास में अगर मान लीजिए कोई भी 2 या 3 बच्चे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि उन 3 या 2 बच्चों का जो भी है सभी का सेम इंटरेस्ट हो,
ऐसा हो सकता है एक को क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन बाकी को जो दो लोगों को जो है मान लीजिए जो कि है बैडमिंटन खेलना पसंद है, ठीक है, या कोई और इंडोर गेम्स खेलना पसंद है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि उन दोनों के जो इंटरेस्ट हो गए या हैबिट हो गई वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब यही जो पर्टिकुलरली हैबिट्स हैं या जो उनके इंटरेस्ट हैं उसी की वजह से उनके अंदर क्या होगा, मोटिवेशन जनरेट होगा, और उसी मोटिवेशन की वजह से क्या होगा कि वो अपने जो भी हैबिट्स या इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानने की जिज्ञासा, उनको क्या होगा कि उनको वो फुलफिल कर पाएंगे। यहाँ पे एक जगह अपन ने देखा कि फियर, अब फियर मोटिव्स के बारे में भी अपन एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर किसी एक पर्सन को मान लीजिए डॉग से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है, ठीक है, अब ऐसा तो जरूरी नहीं ना कि सबको डर लगता है ना, नहीं ना, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो घर के अंदर कुत्ते पाल के रखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब जिनको डॉग से डर लगता है अब उनका वो क्या हो गया, एक तरीके का फियर हो गया, है ना। अब ये फियर मोटिव कैसे, फियर से क्या होगा कि उनको सीखने को मिलेगा, लर्न करने को मिलेगा, किस तरीके से वो अपने फियर से फाइट करने के लिए क्या करेंगे कि धीरे धीरे वो उनके साथ क्लोज होना चालू करेंगे, यानी कि एक तरीके से अपने फियर से फाइट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन समझे, मान लीजिए अगर किसी को स्विमिंग से डर लगता है, पानी से डर लगता है, अब क्या होगा कि अब कहीं ना कहीं क्या होगा कि उसका ये टारगेट हो गया कि मुझे स्विमिंग से डर लगता है, अब चाहे तो वो उससे डर के अपने आराम से घर पे भी बैठ सकता है, या चाहे तो उससे अगर उसको फाइट करना है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो क्या करेगा कि जाएगा स्विमिंग की क्लासेस लेगा और अपना जो स्विमिंग का जो फियर है, जो डर है, उसको निकालेगा दूर और कहीं ना कहीं क्या करेगा कि स्विमिंग सीख जाएगा। इस तरीके से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उसके फियर की वजह से भी उसके अंदर एक मोटिवेशन जनरेट हुआ। अब मोटिवेशन जनरेट हुआ तभी तो जाके उसने स्विमिंग की क्लासेस ली और स्विमिंग करना सीखा, और उसके बाद में उसके दिल में से और दिमाग में से जो भी है फियर जो था स्विमिंग का वो दूर हो गया। तो यहाँ पे जाके अपने पर्सनल मोटिव्स भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मोटिव जो कि है अनकॉन्शियस मोटिव। अनकॉन्शियस मोटिव्स बेटा ऐसे मोटिव्स होते हैं जिनके बारे में पर्सन को अवेयर नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो उसके एक प्रकार के रिप्रेस्ड यानी कि दबे हुए क्या होते हैं, डिजायर्स या गोल्स होते हैं जो कि उसके अनकॉन्शियस ब्रेन के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। और ये डिजायर्स और ये गोल्स फुलफिल कहाँ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सपनों के अंदर, ड्रीम्स के अंदर क्या होता है कि ये जो गोल्स होते हैं वो फुलफिल होते हैं। तो बेटा आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहने वाला है। आज की क्लास में हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया क्या मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन की डेफिनेशन, मोटिवेशन के सभी क्लासिफिकेशंस के बारे में और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी, है ना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मोटिवेशन की थ्योरीज को डील करेंगे। तो मेक श्योर आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को भी अच्छे तरीके से समझिएगा, याद रखिएगा, और साथ ही साथ जब भी नेक्स्ट क्लास अपलोडेड होगी उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका ओवरऑल जो पूरा मोटिवेशन का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सके। तो मेक श्योर नेक्स्ट जो इस क्लास का पार्ट होगा आप उसको भी ज़रूर देखें, और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के लिंक और क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।